स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से आने वाला है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति ये भारत में है, गुजरात में अभी इसका उद्घाटन किया गया था, तो इस वजह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और इस टॉपिक से बनने वाले सभी प्रश्न को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि सभी बातों पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। तो आप थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा वॉच करें, हम बिल्कुल सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ आप देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अगर इसका हम हिंदी में अर्थ समझे तो एकता की मूर्ति हम इसको कहेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को लेकर हमने इससे पहले महाराणा प्रताप का टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, उस पर 3 वीडियो, एकता की मूर्ति। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है, उस पर हम पहले बात करते हैं, और फिर धीरे धीरे इस मूर्ति से बनने वाले सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये मूर्ति समर्पित है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो यहाँ आप देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे थे, और प्रथम गृह मंत्री भी यही थे। और इसी के अलावा इसके अलावा भारत के लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है, और इसी के साथ भारत के बिस्मार्क नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है भारत के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, भारत के एकीकरण की रियासतों के एकीकरण में। तो इसी वजह से आप देखिए, यहाँ पर एकीकरण शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो इसी से ये शब्द निकल के आता है, यूनिटी यानी कि एकता। तो एकता का जो कार्य किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं को ये समर्पित है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो ये 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ, इनकी मृत्यु 1960 में हुई, और जन्म स्थान जो है वो है गुजरात। अब यहाँ पर आप देखिए, अब इनका जन्म दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को है, तो मूर्ति का जो शिलान्यास और उद्घाटन होगा वो भी 31 अक्टूबर को ही होगा, क्योंकि इनकी जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है, राष्ट्रीय एकता दिवस भी 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो यहाँ से इनको आप समझे, रटे नहीं, तो इस वजह से 31 अक्टूबर को ही मूर्ति का शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी होगा। अब आगे आप देखिए, और एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1991 में, मरणोपरांत इनको मरने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद इनको सम्मानित किया गया था। अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके शिलान्यास पर, कि इसका शिलान्यास कब किया गया था। तो हमने आपको पहले ही बताया कि 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो शिलान्यास और उद्घाटन भी इसी डेट को होगा, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं। तो जो शिलान्यास हुआ वो 31 अक्टूबर 2013 को हुआ, और इनकी 138वीं जयंती पर ये शिलान्यास किया गया। अब इसके बाद आप देखिए, इसका उद्घाटन कब हुआ, उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ, शिलान्यास 13 में हुआ और उद्घाटन 2018 में हुआ। और इस वीडियो के आगे अंत में हम इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। उद्घाटन 2018 में हुआ। अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान के बारे में हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध भी गुजरात से ही है, जन्म स्थान उनका गुजरात है। तो गुजरात में नर्मदा जिले के साधु बेट स्थान पर इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया, साधु बेट नामक एक टापू है, और सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूर ये मूर्ति स्थित है, बनाई गई है जहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ पर उद्घाटन की डेट, शिलान्यास की डेट और स्थान आप ध्यान रखें। अब इस मूर्ति, इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण से पहले एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया, जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के माध्यम से इसका निर्माण किया गया, सारा मैनेजमेंट यही ट्रस्ट देखता है, और इस ट्रस्ट ने इसकी बोली लगाई कि कौन इसका निर्माण करेगा, तो लार्सन
ये कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, लार्सन एंड ट्रूबो। इस कंपनी ने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण करवाया और इसके लिए 2,989 करोड़ की यहाँ पर इस कंपनी ने बोली लगाई और इसके निर्माण का कार्य इस कंपनी को सौंपा गया। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करने वाली कंपनी का क्या नाम है, तो लार्सन एंड ट्रूबो इस कंपनी का नाम है, आप ध्यान रखें। लागत भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 2,989 करोड़ इसकी लागत है और ये कंपनी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का 15 साल तक रख रखाव करेगी, इसकी जिम्मेदारी रहेगी। तो कंपनी का नाम आप ध्यान रखें। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस ट्रस्ट का ये निर्माण किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट ने लगभग पूरे देश में 36 कार्यालय खोले, जहाँ पर किसानों के जो पुराने जो उपकरण थे, लोहे के उपकरण, उन सबको एकत्रित किया गया पूरे देश से और फिर उससे इसका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। और जो कंपनी है निर्माण करने वाली, उसका नाम आप ध्यान रखें, लार्सन एंड ट्रूबो। उसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का प्रारूप किसने तैयार किया, आर्किटेक्ट का क्या नाम था, तो रामवी सुथार ये इसके प्रारूप बनाने वाले थे। तो इनका नाम आप ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, रामवी सुथार। इसके बाद हम इसकी ऊंचाई पर हम बात करते हैं, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है इंडिया को देखते हुए, क्योंकि भारत में पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन हुआ है, तो इस वजह से भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न बनेगा। आप देखिएगा, आपके एग्जाम में एक प्रश्न इससे निश्चित रूप से बनने वाला है। तो इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है और फिट में अगर हम देखें तो 597 फिट इसकी ऊंचाई है, 182 मीटर। और इसके आधार सहित हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 240 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो इससे पहले विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी थी, जो अब विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, वो है चाइना में स्थित है द स्प्रिट टेम्पल ऑफ बुद्ध। इसकी ऊंचाई है 153 मीटर, ये चाइना में स्थित है। तो ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी, पहले ये पहली थी, लेकिन स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बनने के बाद इसका स्थान हुआ सेकेंड। तो ये आप ध्यान रखें। अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की कुछ विशेषताएं हैं, उनको आप ध्यान रखें कि एक तो इस मूर्ति पर कांस्य का लेपन है, कांस्य का लेपन, और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और यहाँ पर आप देखिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास श्रेष्ठ भारत भवन नाम का 3 स्टार होटल भी बनाया गया है, जहाँ पर जो भी पर्यटक आते हैं, देशी विदेशी पर्यटक, वो यहाँ पर रह सकते हैं। तो उन्हीं के लिए पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए श्रेष्ठ भारत भवन नामक 3 स्टार होटल बनाया गया है। इसके अलावा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास में प्लाजा गार्डन वगैरह और भी कई उपयोगी ये सब बनाए गए हैं, जिससे पर्यटकों को सुविधा मिल सके। अब इसके प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनके एग्ज़ाम में बनने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पर आप देखिए, पहला जो क्वेश्चन बन सकता है आपका, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इनका जन्म स्थान वगैरह आप याद रख सकते हैं। इसके बाद इसका उद्घाटन कब हुआ, एक तो आपको ये उद्घाटन की डेट आपको ध्यान रखनी है, 31 अक्टूबर 2018 को। आपको ऑप्शन में इस तरह से दिया जाएगा 31 अक्टूबर 2017, 18, 16, और आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखें, उद्घाटन और शिलान्यास में कन्फ्यूज़ ना हो, दोनों ही अलग बातें हैं। तो शिलान्यास तो हुआ था 2013 में, उद्घाटन हुआ है 18 में, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर। स्थान से संबंधित पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, तो गुजरात के नर्मदा जिले के साधु बेट नामक टापू पर ये स्थित है, सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूर है। ट्रस्ट का नाम ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद कंपनी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सी कंपनी ने इसका निर्माण किया है, तो लार्सन एंड ट्रूबो ने इसका निर्माण किया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की लागत कितनी है,
2,989 करोड़ इसकी लागत आई है। और इसका प्रारूप किसने बनाया? रामवी सुथार, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, आधार सहित 240 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और इससे पहले द स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्ध, इससे पहले ये सबसे ऊंची मूर्ति थी विश्व की, जो कि चाइना में स्थित है। और ये आप देख सकते हैं, इससे संबंधित कुछ बातें हैं, कांस्य का लेपन है। और अगर पर्यटक यहाँ पर इसको देखने जाते हैं तो सोमवार को ये बंद रहता है, क्योंकि मूर्ति का रखरखाव का कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो सोमवार को आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अगर देखना चाहें तो नहीं देख सकते। बाकी के हाँ, जो वीक के जो दिन हैं उन्हीं दिन को आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, कुछ फैक्ट्स थे जिनको लेकर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं। और इनको आप 2-3 बार रिवाइज करें, आसान बातें हैं, आपको इजीली याद हो जाएगी। और इससे पहले हमने महाराणा प्रताप टॉपिक पर 3 वीडियो अपलोड किए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें। उन पर भी हमने काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया है, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं पर हमने चर्चा की है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की और भी बातें हैं, लेकिन उनसे एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं बनता है। हमने वही बातें डिस्कस की है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे बाकी विद्यार्थियों तक भी ये हमारा वीडियो पहुंच सके, उन्हें भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।